वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मेरे पास आया है TVS कंपनी का फोनेक्स बाइक। इसमें हो क्या रहा है, जो हेड पर इंजन ऑयल की छिड़का नहीं जा रहा है। जो इंजन में हम लोग का होता है एक ऑयल पंप, नीचे से हम लोग को हेड पे जाएगा जो रॉकर कैमशाफ्ट पर इंजन ऑयल जाएगा जब स्टार्ट होगा। तो क्या हो रहा है, जो हेड के अंदर इंजन ऑयल नहीं जा पा रहा है। 3 महीने से मैंने 3 बाइकों में ये प्रॉब्लम देखा, तो फाइनली ये वीडियो मजबूरी में मैं शूट कर रहा हूँ कि ऐसा रीजन क्यों हो रहा है गाइस। और मैंने एक्चुअली 2 बाइक में को ठीक भी किया था, बट इस बाइक का वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा और जिसमें कि ऑयल पंप रिलेटिव हो और जिसमें कि ऑयल आ रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और एक्चुअली प्रैक्टिकल ठीक करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना था, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं ये जो नॉट है इसको ओपन करेंगे और बाइक को स्टार्ट करेंगे गाइस, जिसमें कि ऑयल की छिड़का ना रहे कि नहीं। तो चलिए दिखाइए, चलो बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है गाइस, अभी बाइक स्टार्ट है और उंगली पर कोई भी इंजन ऑयल नहीं आ रहा है। देखो कोई भी इंजन ऑयल नहीं आ रहा है। देखो अगर बाइक में इंजन ऑयल हेड पर ना आए तो बहुत ही डेंजर वाली बात है, क्योंकि हेड के अंदर जितना भी हम लोगों का कैमशाफ्ट होता है, जैसे कि डीकॉम्प्रेसर भी दिया जाता है कैमशाफ्ट में, रॉकर, ये सब ख़राब हो जाएगा जैसे कि 8 दिन के अंदर। तो ये सब अभी जैसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इंजन का साउंड उतना ख़राब नहीं है। तो मैं फ़िलहाल सबसे पहले ओपन करूँगा क्लच चैम्बर और आप लोगों को दिखाऊँगा, और ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ इंजन ऑयल है कि नहीं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे इंजन ऑयल निकल लिया है। तो इंजन ऑयल भी इस बाइक में ऑलरेडी है, थोड़ा कपड़ा दीजिए। गाइस यहाँ देखिए इंजन ऑयल हम लोगों का बराबर है, देखो इंजन ऑयल है। तो चलो सबसे पहले हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा साइलेंसर, वरना हम लोगों का क्लच चैम्बर ओपन नहीं होगा। तो गाइस देखो इंजन ऑयल कितना है, दिखाओ इंजन ऑयल इतना बाइक में है, बट इंजन ऑयल हम लोगों का हेड के अंदर नहीं जा रहा है। तो हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करें और जिसमें कि हम लोगों का ऑयल पंप सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये खोलना पड़ेगा, उसके बाद ऑयल पंप खोलना पड़ेगा, तब आप लोगों को हम बता पाएंगे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो नॉट है कटा हम लोगों का 19 नंबर नॉट है, और इसको अगर हम लोग ओपन करें तो इसका उल्टा पैच है, तभी हम लोग का काम करेगा। देखो गाइस अगर ये हम लोग का हैंडल हैम्बर रहे तो ऑटोमेटिक नॉट आराम से खुल जाता है। तो गाइस यहाँ से हमने खोल लिया है, तो चलो इसे हम लोग ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद तो गाइस यहाँ लॉक खोल लिया है, लॉक रहेगा और उसके अंदर एक पिन रहेगा। तो चलो पिन को खोल लिया है, तो प्रॉब्लम हम लोग का कहाँ पर है, ऑयल पंप पर हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम लोग को देखना है इनपुट लाइन, यह है इनपुट लाइन और यह आउटपुट लाइन, यहाँ से इंजन ऑयल आता है इस छेद की मदद से इस जगह पर, और यहाँ से हम लोग जाता है जैसे कि इस छेद से यहाँ से आता है, आने के बाद हम लोग को यहाँ एक छेद दिया गया है, इस छेद से हम लोग ऊपर जाता है। तो हम लाइन चेकअप करेंगे, थोड़ा इस लाइन को चेकअप करेंगे जी, इसके अंदर कुछ है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ से हम लोग पेट्रोल भरेंगे इनपुट लाइन पर, ठीक है। तो इनपुट लाइन में अगर पेट्रोल भरे तो ऑटोमेटिक हम लोगों का इस जगह पे पेट्रोल आएगा गाइस, नीचे से जो छेद है तो वहाँ हम लोगों का पेट्रोल बराबर आ रही है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, एकदम बराबर आ रही है, ठीक है। अब हम लोग चेकअप करेंगे आउटपुट लाइन, ये यहाँ से हम लोगों का पेट्रोल जा रहा है कि नहीं, देखिए हम यहाँ भर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है इस जगह पर, देखिए हम लोगों का पेट्रोल आसानी से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आउटपुट लाइन भी ठीक है और इनपुट लाइन भी मुझे ठीक लग रहा है। नीचे देखिए इनपुट लाइन भी ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का कोई भी लिंक हम लोगों का ब्लॉक नहीं हुआ, मैं दोनों बाइक में मिला था, ये जो मेन छेद है इस छेद में हम लोगों का जो एक ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर खराब हो जाता है और मेन छेद पर हम लोगों का लाइन ब्लॉक हो जाता है। बस फिलहाल इस बाइक में इस छेद ब्लॉक नहीं हुआ है, दूसरा लाइन ब्लॉक हुआ है। तो हम लोग चेकअप करेंगे ये जो हम लोग का आउटपुट लिंक है
यहाँ से हम लोग जो पैकिंग, मुझे लग रहा है ये पैकिंग खराब हो चुकी है। देखिए ये पैकिंग का अंदर अगर जिसमें कि एक लिंक रहता है, वो लिंक अगर हम लोग का बंद हो जाता है तो ऐसा दिक्कत होता है। तो गाइस हम लोगों को हेड सिलेंडर अब खोलना पड़ेगा तभी काम पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं क्लच चैम्बर का पैकिंग हम लोगों को हटा के देखना पड़ेगा जो क्लच चैम्बर पैकिंग के अंदर कुछ हम लोगों का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए पैकिंग हम लोग क्लच चैम्बर भी खोल लेते हैं। तो गाइस क्लच चैम्बर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हेड सिलेंडर खोलना पड़ेगा। तो चलो हेड सिलेंडर खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने सिलेंडर को खोला है, ओपन किया है और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए इस छेद से हम लोगों का इंजन ऑयल जाता है और ये हम लोगों का पैकिंग ख़राब हो चुकी है। ठीक है, पैकिंग आप लोगों को पहले ही दिखाया, जो पैकिंग का छेद हम लोगों का बहुत ही छोटा हो चुकी है और ये मून चुकी है। तो गाइस पैकिंग भी हम लोगों को बदलना पड़ेगा। बट एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो इस छेद से हम लोग को इंजन ऑयल आएगा और आने के बाद हम लोग का हेड के अंदर ऊपर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से हम लोग सूखा है, देखो कोई इंजन ऑयल नहीं आ रहा है। अब यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, एक लिंक दिया गया है, इस लिंक की मदद से हम लोग का इंजन ऑयल आता है। अब मान लीजिए अगर इस छेद से अगर हम लोग पेट्रोल डालें तो यहाँ से हम लोग का पेट्रोल निकल के आएगा, तो ये हम लोगों को पता चलेगा कि ये लिंक हम लोगों को चेकअप करना है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, हम लोगों का काम बन जाएगा। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ से इंजन ऑयल पेट्रोल नहीं निकलता है तो फिर हम लोगों को दिक्कत है, इसको हम लोग क्लियर करना पड़ेगा। तो चलो इंजन ऑयल भरता हूँ। तो गाइस देखिए हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं, यहाँ से कोई भी रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ से कोई भी इंजन ऑयल नहीं आ रहा है, ये लिंक हम लोगों का ब्लॉक हो चुकी है। तो गाइस यहाँ से हम लोग पतला तार भरेंगे और जिसमें कि एक लिंक होता है, जो ये लिंक डायरेक्ट हम लोग को नीचे आएगा, ब्लॉक हो चुकी है। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये तार भर के हमने कुछ यहाँ मुझे मिला है। तो गाइस यहाँ देखिए क्या है, जो छेद पर ये हम लोगों का अट्ठा जो है, पैकिंग का अट्ठा, ये हम लोगों का ब्लॉक हो चुकी था, इसका कारण से इंजन ऑयल नहीं जा पा रहा था। अब आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ, जो पेट्रोल हम डालेंगे इस छेद से और यहाँ से निकलेगा तभी हम लोगों का लाइन, आप लोगों को पहले बताया था। गाइस यहाँ देखिए इंजन ऑयल हम लोगों को तेज से आ रहा है, देखो इस जगह पर। अब इस जगह पर मार्किंग करो, देखो तो लाइन हम लोगों का क्लियर हो चुकी है गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद सबसे पहले क्लच चैम्बर लगाएंगे, ऑयल पंप लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ हम लोग देखेंगे इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग हेड सिलेंडर फिटिंग करेंगे। तो गाइस अब आप लोगों को फिटिंग करूँगा, लेकिन कुछ डिटेल्स आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग जब भी फिटिंग करते हैं पैकिंग, तो कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, गलती कर देते हैं पैकिंग में। हम लोग का रिजुबन आठा जो है ज़्यादा दे देता है। देखिए ये जो हम लोग का पैकिंग का अट्ठा है, मैंने उठा के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग जब भी इंजन फिटिंग करें, अगर आप लोगों को भय है तो हल्का अट्ठा दीजिए, अगर ना देने से और भी बेहद फायदा रहा है, ना देने से बहुत ही फायदा है। क्योंकि हम लोग तो नया पैकिंग लगाएंगे, इसमें हम लोगों को अट्ठा देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सब सफाई कर लिया, देखो अच्छी तरह से सफाई कर लिया, जितना भी चैम्बर वगैरह है हमने वॉश कर लिया है। और यहाँ दिखाइए इसको भी हमने अच्छी तरह से सफाई कर लिया है, कोई भी अट्ठा नहीं रखा है गाइस। और सिलेंडर के अंदर भी कोई हम लोग अट्ठा नहीं रखा है। बट हम अभी फिट करेंगे तो आप लोगों को तरीका बताएंगे किस तरह से हम लोग फिटिंग करें और जिसमें कि हम लोगों का प्रॉब्लम ना हो। गाइस अगर हम लोग पैकिंग लगा दे इस तरह से तो कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक चीज़ गौर करें, दो बूश होना चाहिए जिसमें कि हम लोगों को पैकिंग को सही से पकड़ के रखे। अगर बूश ना रहे तो इसमें हम लोग का थोड़ा ग्रीज लगा दीजिए जिसमें कि पैकिंग को चिपक के रहे। जैसे कि ये नहीं लग रहा है आपको, तो सैंपल के तौर के बता दे रहा हूँ। यहाँ थोड़ा हम लोग जिसमें कि ग्रीज डालेंगे हल्का हल्का करके। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को सैंपल के तौर पर दिखा दो, ये चिपक जाएगा, देखो ये चिपक गया। तो इस तरह से चिपक जाएगा, आप लोगों को अट्ठा नहीं देना है, अट्ठा देने से हम लोगों को बाद में दिक्कत करता है। तो एक चीज़ गौर कर लीजिए, ठीक है करेंगे। और चैम्बर को हम लोग जिसमें कि अच्छी तरह से फिटिंग कर देंगे। ठीक है, गाइस इंजन ऑयल कल ही नया डाला है और आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंजन ऑयल का ग्रेड हम लोग का सही है और पुराना इंजन ऑयल डालेंगे, एक लीटर डाल लिया है। अब इस छेद पर इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं वो चेकअप करेंगे, तो हम लोग को किक मारना पड़ेगा। तो चलो किक मारता हूँ। देखिए गाइस ऑटोमेटिक हम लोग का इंजन। तो गाइस मैंने
इंजन फिटिंग कर लिया है, अब बाइक को स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट अभी किया नहीं है, बट आप लोगों को दिखाता हूँ स्टार्ट मारने के बाद हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस हाथ देखो क्या हालत हुआ है, इंजन ऑयल एकदम हम लोग का बराबर आ रहा है, और इसमें कि पूरा इंजन में हम लोग का इंजन ऑयल हेड के अंदर छीटा मार रहा है, तो आप लोगों ने देखा। तो गाइस इससे क्या होता है, आप लोगों को मैं दिखाया प्रैक्टिकल, जो बाइक में हम लोग का होता है एक हेड के अंदर अगर इंजन ऑयल ना पहुँचे तो हम लोग का हेड ख़राब हो जाता है, इंजन का साउंड ख़राब हो जाता है, इंजन हम लोग का ओवर हीट करता है। तो ये काम आप लोगों को सावधानी से करना है। तो आप लोगों को बताया, जब भी आप लोग पैकिंग लगाने का कोशिश करें, पैकिंग में अट्ठा देने का कोशिश मत करो, क्योंकि अट्ठा देने से हम लोगों का कुछ छेद हम लोगों का ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, इसका कारण ऐसा होता है। तो गाइस आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा, जो TVS कंपनी का स्टार सिटी बाइक हो, फोनिक्स बाइक हो, स्टार स्पोर्ट्स बाइक हो, ऑयल की सिस्टम इसी तरह से काम करता है। मैंने 2 महीने से जिसमें कि 2 बाइक को मैंने देखा था और उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला था, तो बट इस बाइक का प्रॉब्लम था ऑयल फिल्टर हम लोगों का नहीं ख़राब हुआ था, इसमें ख़राब हुआ था क्या, जो बाइक में हम लोग का अट्ठा होता है रिजिबोन अट्ठा, पैकिंग के साथ मिक्सचर कर दिया था और मिक्सचर करते करते हम लोग को लिंक में पहुंच गया था और लिंक ब्लॉक हो गया था, इसका कारण इंजन के अंदर ऑयल नहीं जा पा रहा था। तो आप लोगों को करके दिखाया और आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से कि किस तरह से आप लोग पैकिंग फिट करें, किस तरह से आप लोग इंजन फिट करें। तो यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोग कुछ नया सीखे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीत बाइक यूट्यूब चैनल के साथ।